हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए कि लोग आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हमेशा एनर्जी चेंज होते रहती है, अपडेट होती रही है, तो हो सकता है कि कुछ इंसाइट्स आपको मिल जाए कि आखिर लोगों का ओपिनियन आपके लिए क्या है। तो कुछ तो कहेंगे लोग, वो बात तो होती है, और क्या निगलेक्ट करना है, क्या इग्नोर करना है और क्या पॉजिटिवली लेना है, ये बात हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भले लोगों की सोच क्या है, लेकिन किस हद तक क्या लेवल पर सोच रहे हैं और क्या चीज़ हमें शायद बदलने की ज़रूरत है, ये भी हमें इनसाइट आ सकता है। सो क्या सोच रहे हैं लोग आजकल आपके बारे में। Seven of Pentacles, the World, the Lovers, Ace of Pentacles, Six of Rod, okay, Ten of Swords, Two of Cups, Ten of Pentacles, Two of Swords और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये रिसेंट एनर्जी है, करंट एनर्जी है आपकी, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं या बातें कर रहे हैं वो चीज़ है। और बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। This could be the one, trust or keep an open mind. Bottom deck है playfulness. Seven of Pentacles, the World, Lovers, Six of Rods, Six of Wands, Ace of Pentacles, Two of Swords, Knight of Swords and Ten of Swords. एक चीज़ है ना, लोग सोच रहे हैं कि काफ़ी हद तक ना अपनी अपने आप को चेंज किया है या फिर बैलेंस किया है, किसी भी तरह से। भले आप दिखा रहे हो अंदर से टूटे हो, वो भी हो सकता है, लेकिन अंदर से टूटे होने की एनर्जी कम है और सच में आप है ना, आप में एक चेंज है, बदलाव है, वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। लेकिन मतलब एक ना एक वक्त था कि लोग आपको ना इमोशनल फूल समझ रहे हैं, बेवकूफ़ समझते थे कि हमेशा वो इंसान है ना प्यार मोहब्बत की बातें करता है, प्यार जिस करता है उसके लिए तो भाई जान ही दे देगा वगैरह, सब चीज़ है मेल फीमेल आप जो भी हो। लेकिन अभी आपके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना लाइफ का, वो काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आ रहा है। अभी आप दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं, इसका मतलब आपने दिल के दरवाजे बंद किए बिल्कुल नहीं, बस आपने अपने आप को ना उस एनर्जी को शिफ्ट किया है। थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना सीखा है, थोड़ा दिमाग चलाना भी सीखा है। सिर्फ दिमाग तो इंटेलिजेंस अलग है, लेकिन आप ना प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे थे, स्पेशली आपके प्यार के मामले में। और उसका प्यार के मामले में जो जो साइड इफ़ेक्ट है ना, उसका असर आपकी सोशल लाइफ पर हो रहा था, आपके आसपास के लोग हैं ना उनके उनके ऊपर हो रहा था, और उसकी वजह से उनका बिहेवियर, उनकी सोच आपके बारे में जो ना बदल चुकी थी, कि आपने प्यार में अपने आप को जैसे ना समा बर्बाद कर लिया, स्पेशली फाइनेंशियल लॉसेस कर दिया आपने, आपकी अपने आप का जो धोखा है ना वो आपने खुद ही करा लिया। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि प्यार में आप इतने पागल हो गए या प्यार में आपने इतने आपको खो दिया कि सामने वाला जो भी है जैसा भी है आपने उसको लुटा, आप उसके ऊपर आपने सब लुटा दिया, अपना दिल, पैसा, वो हर चीज़ मतलब जो था आपके पास वो लुटा दिया। ऐसा लगा था आप मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब आप अपने आप में काबिल हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम हो, लेकिन ये उस इंसान के सामने आप इतने कमज़ोर बन गए, इतने बेवकूफ़ बन गए, और जो भी है उसकी वजह से ना लोगों को बहुत बुरा लगता था, बहुत गलत लगता था कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो चीज़ है। तो और शुरू में क्या था ना,
एक इनिशियल डेज में आप ना लोगों की बात सुन ही नहीं रहे थे. इनफैक्ट लोग आपको जब बोल रहे थे, अपने दोस्त थे, आपके रिलेटिव हैं, आपके आसपास के लोग हैं जो आपके लिए सच में कंसर्न रखते हैं, वो जब बोल रहे थे या जैसे बातें बना रहे थे, तो आपने ना क्या समझा कि दुनिया मुझे समझ नहीं सकती, लोग, दोस्त, रिलेटिव समझ नहीं सकते, तो मैं अपने आप को अलग कर दूंगा या अलग कर दूंगी. तो अपने आप में ना आप अलग रहना शुरू किया था, मतलब ना आइसोलेशन की एनर्जी थी आप में, या फिर ना कोई कुछ बोल रहा ना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप जैसे हैं वैसे ही है. आपका रोना धोना शुरू है, उस इंसान का बेवजह पीछा करना है, जैसे ना सोशल मीडिया पे भी स्टॉकिंग है, उनको इधर उधर से फेक कॉल करना हो या कुछ भी है, वो चीज़ था. अभी चीज़ें बदल रही हैं, अभी चीज़ें बदल रही हैं. अभी आप काफ़ी हद तक ना फाइनेंशियल डिसीजंस, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो. मैं ऐसा नहीं कह रही कि स्ट्रेस्ड हो, कॉशियस हो. अभी पहले ना आप बोलते नहीं थे किसी को, ना कुछ भी बोले आप बोलते नहीं थे, अभी आप ना मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो. आपकी एनर्जी में ना अभी एक बहुत ज़्यादा, मतलब एक तेज तरार है ना एनर्जी है. बट आपको सजेशन है कि बस आप है ना अपनी शब्द, अपने वर्ड्स, उसका सही इस्तेमाल कीजिए. ये बात तो सही है, जैसे मैंने सुना था कि उल्टा बोलना, यू नो, पलट कर जवाब देना सही नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता, और ये है क्या कहते हैं उसका, डिसरिस्पेक्ट हो सकता है या सही नहीं होगा मौके पे. लेकिन जब हम ज़्यादा ही सुनने लगते हैं तब लोग अपनी हदें भूल जाते हैं, फिर वो कोई भी हो, लोग अपनी हदें भूल जाते हैं. तो वो हद आपने रखना सीखा है तो बहुत अच्छी बात है. एकदम भी सब चीज़ पलट कर जवाब देना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गुरूर में समझना कि मेरे साथ दुनिया ने ऐसा किया है, लोगों ने ऐसा किया है, तो मैं हर चीज़ का पलट कर जवाब दूंगा, या मतलब ऐसे कुछ भी बोल दूंगा या कुछ है, प्लीज़ वैसा नहीं करना है. बस कुछ पॉइंट्स पे किसी को किस हद तक रोकना है, कुछ बोलना है, वो बस आपको समझना है, वो भी इतना प्यार से अपनी बाउंड्रीज सेट करना आपको आना चाहिए, बस उतना ही है. अगर आपने ये सीखा है तो डेफिनेटली आपका सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता. आप है ना जो हमारा लव ओरेकल का कार्ड है कि यू डिज़र्व लव बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव बिकॉज यू आर लवेबल, वो मैसेज मुझे फील हुआ लवर्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी. आप प्यार करना भी जानते हो, आप देना भी जानते हो, निभाना भी जानते हो. आप में एक अलग ऑरा है. अगर प्यार को आपने सही तरीके से पहचाना है, सही तरीके से जाना है, तो आपने अगर इंतज़ार और वो रोना धोना छोड़ के उसकी पॉजिटिविटी लेना शुरू किया है ना, डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि आप में एक अलग चेंजेस है, आप में एक ऑरा चेंज है. भले आपका एज कोई हो, जेंडर कोई हो, आप में ना एक अलग ही ऑरा है. और लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं, लिटरली प्यार करते हैं, आपको कोई प्रपोज भी करना चाहता है, वो इसलिए है कि यू आर लवेबल. भाई ऐसा इंसान चाहिए लाइफ में, वैसे कि ये इंसान जिसे ना किसी को एक बेहद प्यार कर सकता है, इसे वो प्यार दे देना तो भाई वो क्या ही कर देगा. किसी इंसान से वो इतना प्यार करता है, जो उसे इतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट रिटर्न में नहीं दे रहा है, फिर भी वो इतनी शिद्दत से या ना पूरी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है वो रिश्ता, तो इसे वो मिल जाए और ये इंसान अगर मिल जाए तो क्या बात है. तो लोग, कुछ लोग हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आसपास के लोग हो सकते हैं जो पसंद करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, आपके आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं, प्लीज मैरिज मटेरियल समझ रहे हैं. और अभी ऐसा ना कि आपका बिजनेस सेंस हो या कुछ है, बहुत अच्छा लग रहा है. और कुछ लोग हैं जो आपको ऐसे समझते हैं ना कि आपको धोखा देना आसान है. पता नहीं ऐसा लगा, कुछ लोगों ने ऐसा लगा कि पहले ऐसा शायद समझते थे या अभी भी ऐसा लगता है कि आपको धोखा देना आसान है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, वो ही है, ट्रस्ट इश्यूज है. अभी हो सकता है कि आप ना लोगों पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करते, क्योंकि बहुत बार आपका दिल टूटा है, बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार आपने धोखे खाए. इट नॉट जस्ट फॉर आपको किसी से अगर प्यार करते हो, वो चीज़ नहीं है, किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, उससे ही नहीं, जो आसपास के लोग हैं, इवन सोशल मीडिया फ्रॉड भी आपके साथ हुआ है, पॉसिबल वो है. सो आपको लोग है ना स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, आपको लोग, क्योंकि आपको लोग, जैसे मैंने कहा कि यू आर लवेबल एंड दैट इज़ वाई यू डिज़र्व लव, आप प्यार के काबिल हो, इसके लिए आपको प्यार मिलना चाहिए. वैसे सेम आपका जो
काम करने का तरीका है, आपका जो बिजनेस का तरीका है या कुछ है इतना अच्छा ना, इसके लिए आपको ऑफर आने के चांसेस है, बिकॉज लोग आपको ना वो चीज़ में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यस ये इंसान उस चीज़ के काबिल हैं। आपका शायद सोशल मीडिया पे नाम नेम एंड फेम है, कहीं तो है, कुछ है शायद, मे बी इंस्टा, मे बी एफ बी, मे बी यूट्यूब, या कहीं पे भी आपका नाम है, तो लोग कुछ लोग हैं आपसे थोड़े जलते भी हैं, और लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों ने अभी देखा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो किया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपना नाम बना लिया, आपने अपना नाम बना लिया। आपके फाइनेंशियल की इन्वेस्टमेंट्स के जो डिसीजंस है ना, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग है, क्योंकि पहले की तरह ना आप कंफ्यूज एनर्जी में नहीं हो, आपने अभी आपको स्टेबल किया ना, तो आपके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप ना खुले दिल से अभी ना दुनिया की बातें या लोगों की बातें सुन रहे हो, जैसे आपने ये रीडिंग सुनी है तो आप समझ रहे हो कि हाँ ठीक है ये है, अभी मुझे ये चीज़ें, मतलब अगर लोग मुझे इमोशनल फूल समझते हैं या फिर वीक समझते हैं, फाइनेंशियली इनडिसिसिव समझते हैं या किसी भी इनडिसिसिव समझते हैं, तो करना क्या है, या फिर मैरिज मटेरियल जो है तो कोई अप्रोच कर रहा है तो मुझे ना ऑफेंसिव नहीं होना है, मतलब उसको रोके नहीं रखना है, कम से कम उसे सुन तो ले भाई वो कौन है, क्या है वो चीज़ है। और काफ़ी ऐसा है ना कि लोग अभी ना आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, विश्वास के काबिल हो आप, क्योंकि जो इंसान यू नो इतनी मुश्किलात के बाद भी एकदम चट्टान की तरह खड़ा है, अपने आप को बदल रहा है, ग्रो कर रहा है, भले कितना भी स्लो हो या ये है, बट अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ बहुत है। आपके ऊपर अट्रैक्शन भी है लोगों का, क्योंकि आप में ना एक बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव ऑरा है, मतलब आपका अभी ड्रेसिंग सेंस है, आपका पोजीशंस है, लाइक नो जैसे जॉब में कुछ अच्छा हुआ है या बिजनेस में कुछ अच्छा हुआ है, भले कितना भी छोटा लेवल पे हो, बट कुछ तो ऐसा ना कि जैसे आपकी अभी पावरफुल पर्सनालिटी है, आप अभी कंफ्यूज वाले, मतलब इधर उधर क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे नहीं है, आप अभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, तो उससे लोग इम्प्रेस हैं, इम्प्रेस है एकदम। यस, तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे, और जिन्होंने पेमेंट किए हैं अपने स्क्रीनशॉट भेज के प्लीज़ मेल से कंफर्म कीजिए, क्योंकि वेबसाइट की वजह से ना मुझे क्वेश्चन नहीं मिलता, तो प्लीज़ जैसे आपने किया है तो क्वेश्चन मिला है कि नहीं मुझे ज़रा कन्फर्म कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।